नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं वीना नेगी आपको बताने वाली है कि अगर आपको पतला होना है तो खाने में क्या क्या डाइट लेना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि यार डाइटिंग का मतलब क्या होता है। डाइटिंग का मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक टाइम पे खाना खा लिया, दूसरे टाइम पे नहीं खाया, तीसरे टाइम पे आधी रोटी खा ली, ये डाइटिंग नहीं है दोस्तों। देखो, हमारा शरीर खाने से ही बना है। अगर आप सोचोगे कि अगर इसे ही नहीं खाएंगे तो क्या पता हम पतले हो जाएंगे। पतले नहीं होंगे आप, और मोटे होने का शिकार हो सकते हैं। वो कैसे, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। तो दरअसल ये होता था कि मुझे पतले होने का बड़ा शौक होता था। मैं सोचती थी कि काश मेरी भी पतली सी कमर हो, तो मैं खाना छोड़ देती थी। आज मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं दिन का खाना नहीं खाऊंगी। क्या होता था, मान लो मैंने दिन का खाना नहीं खाया, नाश्ता करके दिन का खाना मैंने स्किप कर दिया, और रात को जो भूख लगती थी और उस भूख में मैं 10 गुना ज्यादा खा लेती थी, ये कोई डाइटिंग हुई? तो ऐसा होता है। बहुत ही साइकोलॉजिकली देखें तो जो खाना स्किप करते हैं वो ज़्यादा मोटा होने का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, खाना स्किप करना इज नॉट ए सोल्यूशन माई डियर मोटू, नो। तो अब मैं बताती हूँ कि डाइटिंग में आप लोगों को क्या खाना है। देखो, मैं तुम लोगों को एक क्लास का डाइट चार्ट बना के दूंगी अगर तुम मुझे 1000 रुपये दो दो। ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, नो, मैं यहाँ पे फ्री का ज्ञान पेलती हूँ। तो लोगों को ज्ञान जितना लेना है लोग, क्योंकि ज्ञान गधे से मिले, कुत्ते कमीने से मिले, चाहे किसी भी महापुरुष से मिले, ज्ञान अगर अच्छा हो तो आपको उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसे हमारे पिताजी कहते हैं। तो आप मुझे गधा समझो या महान पुरुष समझो, जिस तरीके से आप मेरे से ज्ञान लेना चाहोगे आप ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी डाइटिशियन हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। मैंने जो अपनी निजी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, गलतियाँ करी हैं, अच्छे काम करे हैं, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। लोग आपको, जिम ट्रेनर आपको ऐसा कहेंगे कि डाइट चार्ट दे दूंगा भैया, 500 लगता है डाइट चार्ट का। अब तुम कहीं पैसे फूक के कुछ चीज़ें लेते हो तो आपको लगता है हाँ ये कारीगर साबित होगी, पर जिसमें पैसे लगते हैं ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको क्वालिटी दे। असली जादू जो होता है वो आपके अंदर की विल पावर होती है, आपकी चाहत, इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति। तो जब हम डाइटिंग करने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या खाया जाए कि पेट भी भर जाए और पेट भी भर जाए और खुशी भी मिले और हम पतले भी हो जाए। तो देखो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा कोई मुकाम नहीं होता जो बिना मेहनत किए नहीं मिलता। अब इतनी इतनी गलतफहमी तो मैं आपकी मिटा सकती हूँ कि अगर आपको पतले होना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके प्रोटीन पाउडर, आपके प्री वर्कआउट पाउडर, आपके एस्ट्रॉयड, आपके एवोकाडो इतने महंगे महंगी चीज़ें नहीं आपको पतला करेंगी। शहद, पानी, ये एवोकाडो सैंडविचेस, ये सी चीज़ें नहीं आपको पतला करेंगी। ये पतला करेंगी तो आपकी इच्छा शक्ति, आपका जो आपकी इंद्रियां यानी आपके सेंसेस में कंट्रोलिंग पावर है वो आपको हेल्प करेगी। अब मैं बताती हूँ कि आपको डाइटिंग में क्या खाना है। मतलब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या खाऊँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में ना महारत हासिल होती है। अब देखो, सबको पता है कि अच्छा खाना, हरी सब्जी, दाल सब्जी खाना, बाहर का तेल भुना नहीं खाना ही एक ऐसा लौता उपाय है जो आपको फिट रख सकता है। फिर भी हमें दूसरों को पूछना है, तुमने क्या खाया, तुम तो बहुत पतली हो, तुम क्या खाती हो? अबे साले, घर का खाना खाओ भाई। जो तुम्हें जिम ट्रेनर जो तुम लोगों को ये मोटे मोटे लिस्ट बना के देखते हैं ना कि आपको ये लेना है, आपको प्रोटीन लेना है, आपको पीनट्स लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई मेरे जितना अमीर है, हम सब मिडिल क्लास हैं, हम लोगों के लिए पैसे की कीमत बहुत है। और हम लोग साला अपनी पर्सनल जिंदगी, अपने लिए कच्चा बनियान लेने के बारे में सोचते हैं तो काजू बादाम क्यों लेगा कोई? तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको काजू बादाम नहीं खाने, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके जेब में ज़्यादा भारी ना पड़े तो ये सब खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। बोलोगे कि चलो कोई तुम्हें डाइट चार्ट देगा, तुम्हारे ट्रेनर डाइट चार्ट देगा, तुम लगभग कितने दिन तक फॉलो कर लोगे? कितने दिन तक? मुश्किल से 1 हफ्ता। उसके बाद घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आरा पेल तो साला इतना पैसा है ही नहीं किसी के पास कि साला रोज रोज इतने महंगे फल फ्रूट खाए। ना ना, अरे मम्मी क्या बना रही है, पूछो आज मम्मी क्या बना रही है घर में खाने के लिए। अच्छा, टिंडे बना रही है, कद्दू बना रही है, ओके, रोटी चावल दाल। हम सबके घर में ये बेसिक खाना है, रोटी दाल चावल सब्जी। अब पतला होने के लिए ये नहीं छोड़ने पड़ते। तो घर पे जो भी आपकी मम्मी खाना बनाती है, सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी बहुत ऑयल डालती है तो उनको बोलो कि मेरे को थोड़ा सा ऑयल दे। अब मम्मी किस किस की बात सुने, तो या तो उठ के तुम खुद ही बना लिया करो, ठीक है? अगर आप अकेले हैं घर पे तो
हो सके तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर आपको पतला हो रहा है तो कम से कम 3 महीने अपने आप के लिए खाना खुद बनाओ, क्योंकि मम्मी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि यार खाने में कितना तेल है कितना घी देना, वो तो उनके लिए मम्मी लोगों के लिए तो हमेशा उनका भालू जैसा बच्चा एकदम लोमड़ी जैसा ही दिखता है, तो मम्मी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा तेल खाएगा तो मोटा हो जाए, ना ना ना, पर हम लोगों को तो फिगर बनानी है यार, हम लोगों को अच्छा दिखना जरूरी है। तो इसलिए या तो खुद खाना बनाया करो या तो मम्मी को बोलो कि कम तेल डाले। तो मम्मी जो भी खाना बनाती है उसका 50% आपको कंज्यूम करना है। जैसे आज मैं, मेरा रेगुलर मील है कि मैं 5 रोटी खाती हूँ तभी मेरा पेट भरता है। अगर मैं डाइटिंग पे हूँ, अगर मुझे पतला होना है तो मैं 2.5 रोटी खाऊंगी। अपने खाने का 50% कटौती, मैंने 2.5 रोटी खाई और शाम को 2.5 किलोमीटर भागा तो ऑलमोस्ट आपका सुबह खाया हुआ एकदम माइनस, यानी कि आपने कुछ खाया ही नहीं। इससे हुआ कि आपका पेट भी भर गया, आपको एनर्जी भी मिल गया, आपको कैलोरीज भी बर्न हो गई। ये बहुत कूल मोल है, इसको आपको समझना पड़ेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे पतले होने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको कोई चमत्कारी डाइट नहीं बताने आई हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके घर नॉर्मली बनता है ना खाना, उसका 30% कम कर लो, 50% कम खा लो। मतलब इतना खाओ कि पेट में थोड़ी सी जगह हो, कि जब हमारा मन करता है ना कि यार पेट नहीं भरा एक और रोटी खा लूँ, उस टाइम ही उठ जाओ। यही असली चाबी है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर। अब ऐसा नहीं होता है कि आप चमत्कार से पतले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो करना है आपकी विल पावर करेगी, आपकी महंगी डाइट, या आप चाहे कितना महंगा ट्रेनर बुक कर लो, कितना महंगा जिम बुक कर लो, जब तक आप अपने मन की इच्छा शक्ति नहीं बनाओगे तब तक तुम हमेशा ऐसे ही भालू देखोगे। ठंड बहुत हो रही बाबा, मैं तो हीटर वीटर लगा लगा के मजे कर रही हूँ। तो इसलिए जो लोग मुझसे पूछते हैं कि विना डाइट में क्या खाना है, या डाइट कुछ स्पेशल नहीं, कभी भी आप डाइट चार्ट को फॉलो कर ही नहीं सकते चाहे कुछ भी होगा, तो इसलिए बेहतर यही होगा जो तुम्हारी मम्मी बना रही है ना उसका 30-50% आप कम खा लो उसको। और सबसे अगर बहुत जल्दी वजन कम करना है फिर तो आपको रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। अब इसकी जगह क्या खाए, इसकी जगह आप खा सकते हैं दाल सब्जी। अरे ट्रस्ट मी यार, अगर तुम दाल सब्जी भी खाते हो ना वैसे पेट भर जाता है, उससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है और शाम को फुल एनर्जी रहती है वर्कआउट के लिए। इसलिए फिर भी मैं आप लोगों को टिप्स दे देती हूँ, जो रोटी जैसी चीज़ होती है ना, रोटी रोटी गेहूं, इसमें बहुत कार्ब्स होते हैं। अगर पेट कम करना है, वजन कम करना है, तो जो लोग सोचते हैं कि चावल से होता है, चावल ज़्यादा बेहतर है रोटी से। इसलिए कोशिश करो कि रोटी कम खाओ, चावल और दाल भर भर के खाओ। अब मम्मी तुम्हें चावल दे रही है, ठीक है, उसका आधा हटा दो और भर भर के दाल खा लो, उससे पेट भर जाता है। और सबसे खतरनाक तरीका बताती हूँ जिसके साइड इफेक्ट भी है, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही भूख का एडिक्शन है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्या करो, गुनगुना पानी लो, उसमें हल्का सा नमक डालो, 2 ग्लास खाने से पहले पी लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका आधा पेट भर जाता है, फिर आप थोड़ा खाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ खा लिया पेट, मतलब पेट भर गया, ठीक है, दिमाग को गोली दे देता है कि हाँ भाई तेरा पेट भर गया, अब तो मजे में। तो उसका साइड इफेक्ट होता है ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है। अब देखो मैं तो गलत चीज़, मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ बता रही हूँ अगर जब बहुत कंट्रोल नहीं होता है तब करो, अदरवाइज ही करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे बहुत भूख होती थी और मेरे से कंट्रोल नहीं होता था तो मैं पानी पी लेती थी, फिर थोड़ा सा मतलब थोड़े खाने में मेरा पेट भर जाता था, फिर उसके बाद ब्लोटिंग और यू नो फूफाट तो बचती रहती थी, तो मैं सहन कर लेते थे। अब तो थोड़ा सा आदत हो गई, अब तो खाना कंट्रोल। तो दोस्तों आजकल के टाइम में मुझे ऐसा लगता है ना, हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमें अभी महसूस नहीं होती, अभी जब हम यंग हैं, ऐसी उम्र में है जब हमारे पास सब कुछ, हमारी किडनी लीवर सब हेल्दी है, तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसकी वैल्यू नहीं कर पाते कि हाँ यार मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है, इनको हेल्दी रखना है, लॉन्ग लास्टिंग रखना है। अरे लोग कहते हैं कि जब तक जीवन लिखा होंगे जी लेंगे, जब तक मौत आएगी तो मर लेंगे। कभी हॉस्पिटल के चक्कर मारें, उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनी हॉस्पिटल में ज़िंदगी बिता दी छोटी छोटी बीमारियों के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आप आज खाएंगे पिएंगे दारू पिएंगे फुल अय्याशी करेंगे तो कल परसों कुछ नहीं होगा? हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर आज अगर आप तो लोग ध्यान नहीं दोगे, स्पेशली यंगस्टर्स, तो कल क्या दिक्कत होगी किसी को मालूम नहीं। कभी वो तो यू गाइज आर लकी, सेहत अच्छी है, तुम मस्त दारू पीते हो बियर पीते हो मस्त ज़िंदगी जी रहे हो, पर उन लोगों से पूछना जिन्होंने, उन बूढ़े बुजुर्गों से पूछना जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ऐशो आराम में बिना एक्सरसाइज के अपनी ज़िंदगी बिताई, और आज जब वो हॉस्पिटल में अपने आप को देखते हैं तो वो क्या झेलते हैं। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि हाँ दारू पीना सिगरेट पीना ये सब, अपने सेहत का ध्यान ना देना, बेटाई में खाना बाहर का खाना खाना, ये सब चलता है। लगता है कि यार ये लाइफ है, ये एक ही बार तो ज़िंदगी मिलती है, ये सब
दिस इज नॉट लाइफ. इस मौज का कोई फायदा नहीं जब कल परसों तुम लोगों को इतना तकलीफ देगा. तो उस दिन आपको अपने किए हुए एक एक बुरे काम याद आएंगे कि साला थोड़ा जिंदगी में कसरत कर लेते तो आज बिस्तर में ना पड़े होते. मैं ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी जियो मत, ऐशो आराम मत करो. अरे यार महीने दो महीने में एक बार पी लो, मार लो घुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है. खा लो बाहर का तला भुना, इतनी भी जिंदगी हराम नहीं करनी है. बट अपने सेहत का भी साथ साथ में ध्यान रखना कि कुछ भी चीज एक्सेस से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है. कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा जहर बन सकती है, अब चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो. इसलिए दारू पीते हो लिमिटेड पियो. पहले तो नो स्मोकिंग, ठीक है. स्मोकिंग के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी कि लाइफ में कभी स्मोक मत करना, और ऐसे लोगों से खासकर दूर रहना जो स्मोक करते हो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में. कभी भी उनको देख के उनसे प्रेरित होने की जरूरत नहीं है. दे आर डूइंग नथिंग अमेजिंग इन देयर लाइफ. वो उल्टा अपने लोगों को, अपने परिवार को और खुद को एक बहुत बड़े परेशानी में डालने वाले इन फ्यूचर. तो उन लोगों से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना. और एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि ना, दिस इज द टाइम, मतलब ये एक ऐसा वक्त है हम लोगों के लिए, एक ऐसी एज है जिस एज में हमारे शरीर के जो पुर्जे होते हैं ना, इनको बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इनको बहुत पैम्परिंग की ज़रूरत होती है. अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बाबू छूना इतना पैम्पर करने से अच्छा अपने शरीर को पैम्पर करो. अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो. पीने का मतलब ये नहीं कि बकाड़ी पियो, अच्छा अच्छा जूस पियो, पानी पियो, लस्सी पियो, दही पियो, ओके. तो ये उम्र है, अगर इस टाइम हमने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा ना, कल ये हमारा भी ख्याल नहीं रखेगी. इसीलिए ये हमारी जान है और ये हमारी दुनिया है. अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपका हमेशा ख्याल रखेगा, कोई रखे या ना रखे. हमेशा एक बात याद रखना, जस्ट लव योर बॉडी. तो एक टाइम था जब मुझे ना पतला होने का बहुत शौक था. अभी भी मैं बहुत पतली नहीं हूँ, आई नो, मेरे को ऐसा बनना भी नहीं है क्योंकि मैं चबी बहुत क्यूट लगती हूँ, किसी से ने मुझे ऐसा कहा है. तो आज के लिए इतनी ही वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. तो दोस्तों अगर आप लोगों का प्यार मुझे यूँ ही मिलता रहा तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर अपना सपना पूरा करूँगी. और मेरा सपना है कि पूरे इंडिया के जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा एनिमल सेंटर खोलना. तो आप प्लीज़ मेरी मदद करना, मुझे सपोर्ट करना और मेरी वीडियोज़ को शेयर करना ताकि मैं दुनिया के सभी जानवरों की मदद कर सकूँ और मेरा सपना पूरा करने में मेरी जलूल जलूल मदद करना. धन्यवाद.